श्रोताओं, आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान मास्टर मीडियम का। इनका कमेंट है, दशरथ ससुर राम मोहशाला, सुनऊ राम तू पुत्र हमारा। जबकि श्रीमान जी नीचे की लाइन हम ऐसे कहते हैं, हमई पिता हरि पुत्र हमारा। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल और हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही सुंदर वीडियो, ज्ञान से भरा हुआ वीडियो। और ये वीडियो ऐसा है जो कि एकदम तथ्यात्मक और सही है। तो आइए श्रोताओं, हम श्रीमान मास्टर मीडियम चैनल वाले इनकी ये जो पहेली है इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो श्रोताओं, इनका कमेंट है, दशरथ ससुर राम मोहशाला, सुनऊ राम तू पुत्र हमारा। जबकि हम कहते हैं, हमई पिता हरि पुत्र हमारा। तो श्रोताओं, दशरथ तो उनके ससुर लगते हैं, राम साला लगता है, और नीचे की लाइन सुनऊ राम तू पुत्र हमारा। फिर राम जी हैं जो उनके पुत्र भी लगते हैं, कैसे? तो श्रोताओं, दशरथ जी के सबसे पहले एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शांता। एक दिन कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी और उनके पति देव रोमपाद दोनों की दोनों अयोध्या आते हैं। तो कौशल्या और दशरथ जी उनका स्वागत करते हैं। जब स्वागत करते हैं तो वर्षणी, जो कौशल्या की बड़ी बहन थी, वो कह देती हैं कि आप इस कन्या को मुझे गोद में दे दें, गोद दे दें। तो श्रोताओं, शांता को वर्षणी के लिए गोद दे दिया था। उसी समय जब गोद दे दिया तो वो शांता, जो कि दशरथ जी की पुत्री थी, बड़ी हुई। इधर दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो निपुत्री राजा था, वो पुत्र प्राप्त करना चाहता था। तो श्रोताओं, शांता की शादी श्रृंग ऋषि के साथ कर दी गई। अब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उसमें श्रृंग ऋषि और शांता दोनों आए। तो कौशल्या ने शांता को नहीं पहचाना। फिर शांता ने अपना परिचय दिया कि मैं आपकी ही पुत्री हूँ। अब जो दशरथ जी थे वो श्रृंग ऋषि के माध्यम से यज्ञ किया। तो श्रृंग ऋषि ने उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया और हवि प्रदान की, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ जी के चार पुत्र पैदा हुए। तो श्रोताओं, इनकी पहेली यहीं लगती है, दशरथ ससुर राम मोहशाला। श्रृंग ऋषि कह रहे हैं कि दशरथ जी तो मेरे ससुर लगते हैं और राम मेरा साला हो गया, क्योंकि शांता भगवान श्री राम की बहन थी। सुनो राम, अब वो राम जी से कह रहे हैं कि सुनिए राम, तू पुत्र हमारा और तू हमारा पुत्र भी है। उधर साला भी है और पुत्र भी है, पुत्र कैसे है? क्योंकि श्रृंग ऋषि ने ही पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और वो हवि प्रदान की थी, इसलिए वो राम को पुत्र संबोधित कर रहे हैं। तो श्रोताओं, अब हम जो नई लाइन है उसके हिसाब से आते हैं, दशरथ ससुर राम मोहशाला। तो श्रृंग ऋषि कह रहे हैं, दशरथ जी ससुर हैं और भगवान राम साले हैं।
हम ही पिता हरि पुत्र हमारा, हम ही पिता हैं भगवान राम के, हम ही पिता हैं हरि पुत्र हमारा। और जो हरि पुत्र भगवान श्री राम हैं, हरि जो कि राम के अवतार में हैं, वो हमारे ही पुत्र हैं। तो ये सब श्रृंग ऋषि कह रहे हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार से इस पहेली का जवाब लग चुका है। अब मेरा श्रोताओं से निवेदन, आप पहेली तो पूछते हो लेकिन हिंदी में लिखा करो और शुद्ध लिखा करो, ताकि हम आपका अच्छे से जवाब प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ